हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। अगर मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को और प्रेस करो और गाइस वीडियो को लाइक करो और गाइस शेयर करो वीडियो को। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूं डुओ में रैंक पुश कैसे करें। तो गाइस डुओ में अच्छा रैंक पुश कैसे करें, गाइस 1 स्टार 2 स्टार हीरोइक गाइस कैसे लगाएं, तो गाइस इसके बारे में आज बात करने वाला हूं गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस जैसे कि काफ़ी सारे बंदों को ये क्वेश्चन रहता है गाइस कि हमारे अच्छा पार्टनर नहीं है, तो गाइस हम रैंक पुश कैसे करें, अच्छा किल कैसे करें, अच्छा लाइक गाइस कैसे मिले। तो गाइस इसी के बारे में आज गाइस बात करने वाले हैं गाइस, कैसे अच्छा रैंक पुश करें, कैसे अच्छा लाइक किल गाइस कैसे लें। तो गाइस अच्छा एक पार्टनर लो गाइस, जैसे कि गाइस आपका डुओ रैंक उसके साथ अच्छा पुश हो जाएगा, गाइस आपका पार्टनर ऐसा हो जो गाइस दो बंदों को अकेले आराम से मार सके। तो गाइस आपको ऐसा एक पार्टनर लेना, तो गाइस जैसे कि गाइस मैं लॉबी में आ चुका हूं, तो गाइस चलिए आपको पहले बताते हैं गाइस फर्स्ट ट्रिक। तो गाइस फर्स्ट ट्रिक जो होती है गाइस हमें उतरने की होती है, गाइस हमको लैंडिंग कहाँ करनी है, अच्छा लैंडिंग गाइस आपको कहाँ करना है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर प्लेन में हूँ, तो गाइस मेरा जो फेवरेट प्लेस है गाइस मार्स इलेक्ट्रिक। तो गाइस जैसे कि एक ही मेरा फेवरेट प्लेस मार्स इलेक्ट्रिक, तो गाइस हमेशा मैं और मेरे जो पार्टनर गाइस वहीं उतरते थे, गाइस बाबा बंदे आए या बंदे नहीं आए, तो गाइस हमको उतरना वहीं पर ही है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर मार्स इलेक्ट्रिक पे, तो गाइस जैसे करेक्टर स्किल्स वगैरह गाइस जो करेक्टर स्किल आप जो को अच्छा लगता है गाइस वो यूज़ करो, जो गाइस आप यूज़ करते आ रहे हो वही यूज़ करो। ये नहीं गाइस कि आप क्रोनो लगा लो, ये गाइस आप स्काइलर है बुंकोंग इन सब गाइस इनसे ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो आप करेक्टर स्किल यूज करते हो जिससे आपको करेक्टर स्किल से अच्छा बेटर फील होता है गेम खेलने में गाइस, वो करेक्टर स्किल आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ गाइस, लैंडिंग मेरी यहाँ पर हो रही है गाइस, लैंडिंग होती है गाइस मेरे को फटाफट जल्दी से यहाँ पे गन वगैरह जो वेपन गाइस मेरे को लेने हैं यहाँ पर लूट करूँगा जल्दी से, और गाइस मिलते हैं आपको गाइस लूट करके। तो गाइस जैसे कि मैं जल्दी यहाँ पर गाइस लूट कर लेता हूँ और गाइस आपको बताते हैं गाइस आपको आगे क्या क्या करना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मेरे को अभी कोई गन वगैरह नहीं मिली है, तो गाइस चलिए मैंने यहाँ पर जल्दी से लूट कर लेता हूँ यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं आता है गाइस, यहाँ पर बहुत कम एनिमी आता है गाइस, कंप्लीट मैंने गाइस यहाँ पर लूट हो चुकी है। तो गाइस चलिए मैं अब आपको बताता हूँ गाइस आपको सेकंड ट्रिक क्या करनी है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मेरा पार्टनर ड्रम डैमेज देगा गाइस, जैसे कि ड्रम डैमेज गाइस ऐसा होता है गाइस ड्रम डैमेज से जो है गाइस थोड़ा अच्छा रैंक पुश हो जाता है। तो गाइस जैसे कि मेरा पार्टनर यहाँ पर ड्रम डैमेज दे रहा है, उसको गाइस का गाइस 3 स्टार है, तो गाइस को ड्रम डैमेज ना जरूरी है गाइस लेना। तो गाइस जैसे कि मेरा यहाँ पर 2 स्टार गाइस इस मैच के बाद गाइस लगने वाला है, 2 स्टार मैं पहुँच जाऊँगा हीरोइक में। तो गाइस यहाँ पर एक ड्रम और, तो गाइस वहाँ पर इसका मैं गाइस दूसरा जो मेरा जो पार्टनर है गाइस का मैं ड्रम डैमेज दूसरे ड्रम पे भी गाइस कंप्लीट करवा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रम को ड्रम के पास जा रहा हूँ जिस घर में गाइस ड्रम है, यहाँ पर कोई बंदा नहीं आता है गाइस। अगर आप यहाँ पर उतरते हो तो गाइस यहाँ पर आपको इजीली आप यहाँ पर लूट कर लोगे, ड्रम डैमेज ले लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन यहाँ गाइस बहुत कम बंदे आते हैं गाइस, बहुत कमी से बंदे आते हैं गाइस यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि मेरे पार्टनर ने यहाँ पर 2 ऑयल ड्रम डैमेज जो गाइस ले चुके हैं, तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं हील हो जाऊँगा गाइस, अपना बेस्ट लेके गाइस जल्दी से हील हो जाता हूँ यहाँ पर। और गाइस बताते हैं गाइस आपको और क्या करना है गाइस, आप इजीली आप ऐसे ही गाइस आप रैंक पुश कर सकते हैं गाइस। जैसे मेरे पास मेडिकेट नहीं थी तो मेरे पार्टनर ने मेरे को मेडिकेट दे दिया। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं आराम से घूम रहा हूँ गाइस, यहाँ पर कोई भी नहीं एनिमी नहीं आ रहा, तो गाइस मेरे को भी थोड़ा ड्रम डैमेज चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पर एक ऑयल ड्रम मिलता है गाइस नीचे हमें मार्स इलेक्ट्रिक के नीचे फैक्ट्री के सामने एक यहाँ पर ऑयल ड्रम गाइस मिलता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आके अपना भी मैं थोड़ा यहाँ पर गाइस ऑयल ड्रम से गाइस थोड़ा मैं भी अपना वो बढ़ा लेता हूँ। तो गाइस मेरे जो पार्टनर है गाइस यहाँ पर ऑयल ड्रम के पास खड़ा हो चुका है गाइस, मैंने उसको इजीली नॉक कर दिया गाइस रिवाइव करके गाइस जल्दी से गाइस मेडिकेट वगैरह लगा लेगा वो। और चलिए गाइस देखते हैं बंदे हमें कहाँ मिलते हैं गाइस, अब हमको किल भी करना गाइस ऑलनी जो है गाइस नहीं है। तो गाइस जल्दी से हमें यहाँ पर बंदे ढूंढे गाइस आप ही हमारा थोड़ा गाइस आगे जाके फाइट हो गया। तो वैसे मैं वो बंदा गाइस काफ़ी ओपी गाइस थर्ड पार्टी यहाँ पर हो चुका था हमारा। तो गाइस मैंने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ लेकिन गाइस वो नॉक नहीं हुआ, पता नहीं गाइस क्यों नॉक नहीं हुआ वो। तो गाइस यहाँ पर मेरा तो थर्ड पार्टी हो गया था गाइस थोड़ा सा गाइस, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज दिया उसको लेकिन गाइस वो नॉक नहीं हुआ बंदा बिल्कुल, पता नहीं क्या हुआ गाइस क्या अग्रेस हुआ मेरे साथ ही। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा पीछे से एक दो एनिमी और आ गए मेरे, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा हमारा थर्ड पार्टी हो गया था। तो गाइस हमने बहुत इजीली इसको गाइस आराम से गाइस 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 को हेडशॉट पड़ने वाला था गाइस, थोड़ा ज़रा एम मेरा डिफेक्ट हो गया यहाँ पर, वरना इसको गाइस आराम इजीली इसको हेड पड़ जाता गाइस। तो यहाँ पर गाइस जो है गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी हो चुका था गाइस, दो बंदे उस टीम के थे गाइस, एक बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी अलग बंदा आ चुका था गाइस यहाँ पर। तो जो मेरा पार्टनर था गाइस उसने इस बंदे को इजीली गाइस यहाँ पर मैक्स 7 से गाइस मार दिया गाइस। तो गाइस यहाँ पर जो ग्लोबल में गाइस बंदे पैक है, तो गाइस इन पर मैं नेडिंग करता हूँ गाइस नेट से, क्या पता गाइस एक दो बंदा कोई नॉक हो जाए।
तो गाइज यहाँ पर मैंने रेडिंग की, तो गाइज मैं फिर से ग्लोबल लगा लिया, मैं नेट बाहर पर लगाया थोड़ा सा। तो गाइज मैंने एक और जल्दी कुक नेट कुक नहीं किया, गाइज मैं स्टार्ट नेट डाल दिया। तो गाइज यहाँ पर क्या बात है, इजीली मेरे एक बंदा यहाँ पर नेट से नॉक हो चुका है। तो गाइज एक बंदे को मेरे पार्टनर ने गाइज मार दिया इजीली। मैंने गाइज यहाँ पर मेरे पार्टनर ने मैंने यहाँ पर किल कर ली है। तो गाइज जैसे कि मेरे पार्टनर के यहाँ पर 2 किल हो चुके हैं, मेरा 1 किल हुआ है अभी। तो गाइज यहाँ पर हमें इजीली ऐसे सर्वाइव करके एक साथ रस करना है गाइज, ये नहीं है एक एक रस करें। तो गाइज यहाँ पर किल नहीं देखते हैं गाइज, किसके किल ज़्यादा हो रहे हैं, किसके किल कम हो रहे हैं गाइज, किल नहीं देख रहे हैं। किल के डिपेंड नहीं करता गाइज, आप गेम प्ले कैसा खेल रहे हो गाइज इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपके यहाँ। तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे इजीली गाइज यहाँ पर लूट कर लिया सारा, लूट वगैरह करके गाइज यहाँ पे हम गाइज हमारा एक जगह और फाइट हुआ था गाइज, दूसरी जगह जहाँ पे गाइज हमारा थर्ड पार्टी गाइज वहाँ पे हो गया था। तो गाइज यहाँ पर एक एनिमी जो गाइज रिवाइव कर रहा था अपने पार्टनर को, तो गाइज यहाँ पर मैन थोड़ा बोर्ड ने वाइज रिवाइव कर दिया था पूरा गाइज। तो गाइज यहाँ पर वहाँ थोड़ा थर्ड पार्टी हो गया था गाइज, एक एनिमी नीचे था, एक दो एनिमी गाइज ऊपर था। तो गाइज मैंने बहुत ऊपर डैमेज दिया था गाइज, तो जो किल थे गाइज वो मेरे जो पार्टनर थे पार्टनर के अकाउंट में गाइज काउंट हो गए किल। तो गाइज इसमें से मेरे को एक भी किल दोनों में से नहीं मिला। तो गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर भी हो गया था हमारे साथ। तो गाइज इसका जो एनिमी था गाइज वो रिवाइव हो गया था गाइज, उसने अपने एनिमी को गाइज रिवाइव कर दिया था। तो गाइज हमारे इसको जो एनिमी रिवाइव किया था ओपी से एक हेडशॉट मार के उसको मैंने मार दिया। तो गाइज पोशन ओपर गाइज जो उसको बंदे ने रिवाइव किया था, इसका ये उसका पार्टनर था ये। तो गाइज यहाँ पर मेरे को BSSX मिल चुकी है गाइज, BSSX बहुत अच्छी गन है गाइज, अगर आप चलाते हो तो गाइज बहुत ओपी गन चलती है BSSX गाइज, आप डैमेज देते रहना गाइज बहुत ओपी डैमेज देती है गाइज BSSX। तो गाइज यहाँ पे जैसे मैं ARM छोड़ देता हूँ मेरे पार्टनर को गाइज, वहाँ पे मेरे पार्टनर का फाइट हो चुका है दूसरे बंदों के साथ। तो गाइज मेरे को वाइज पता है वो इजीली गाइज दोनों बंदों को आराम से मार सकता है। तो गाइज मेरा गाइज यहाँ पर फाइट उसका मेरा पार्टनर का जो गाइज फाइट हो चुका है। तो गाइज उसने दोनों बंदे गाइज इजीली यहाँ से मार दिए हैं आराम से। तो गाइज मैं जल्दी से यहाँ से फटाफट से लूट कर लेता हूँ और गाइज लूट करके गाइज चलते हैं अलग फाइट के। तो गाइज देखते हैं हमारा आगे जाके कहाँ फाइट होने वाला है। तो जैसे गाइज यहाँ पर मैं इजीली गाइज ओपनली घूम रहा हूँ गाइज, मेरे को कोई भी एनिमी यहाँ नहीं मिल रहा है। तो गाइज आपको भी ऐसे इजीली घूमना है गाइज, ये नहीं है कैंपिंग करो रस्ते मत करो ऊपर कैंपिंग कैंपिंग गेम करो गाइज, ऐसा कुछ नहीं गाइज। रहेंगे में इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो इसमें कैंपिंग की जाए गाइज, कैंपिंग के लिए नेक्स्ट टेबल नहीं होता गाइज। यहाँ पर मैंने एक बंदे को BSSX का फटके दिए थोड़े से, तो गाइज BSSX का इससे बहुत ज़्यादा डैमेज देती रहती है। तो गाइज ये इसकी बहुत अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पर मेरे को थोड़ा डैमेज पड़ा, तो गाइज इजीली देख लिया गाइज मैं कैसे कैसे यहाँ से निकल के निकल फिर भी उन बंदों के पास पहुँच गया। तो गाइज मेरे जो फ्रेंड पार्टनर है गाइज उसने एक बंदे को वहाँ नॉक किया था गाइज, तो वहाँ से इजीली वो उस बंदे को गाइज रिवाइव करके अंदर ले गया। तो गाइज यहाँ पर मैं कैसे यार इन दोनों बंदों को कैसे मारता हूँ गाइज, ये अब ये देखना। तो गाइज यहाँ पर दोनों बंदे गाइज साइड में बैठ के मेडिकेट लगा रहे थे गाइज, तो ये बंदे गाइज क्रोनो लगा के मेडिकेट लगा, मैंने एक को यहाँ पर फिनिश किया गाइज नॉक किया बंदे को, दूसरे को क्रोनो लगा के दूसरे को गाइज मार दिया गाइज, इजीली मैंने दोनों बंदों को मार दिया। तो गाइज आपको भी ऐसी गाइज आराम से इजीली गेम खेलना है, ये नहीं है गाइज आपको रिस्क लेना है गाइज, आपको रैंक गेम खेल रहे हो अगर आपको गाइज 2 स्टार 1 स्टार लगाना है तो आपको गाइज थोड़ा बहुत रस करके रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइज आप अगर हाइड एंड सीक कैंपिंग गेम खेलो तो गाइज आपका इतना अच्छा रैंक पुश नहीं होगा। तो गाइज जैसे गाइज यहाँ पर बिल्कुल ओपनली घूम रहा हूँ, तो गाइज मेरे को कोई भी एनिमी नहीं मार रहा। तो गाइज यहाँ पे एक गाड़ी वाला बंदा है, मैं इसको डैमेज दिया थोड़ा सा, तो जो मेरा पार्टनर था उसको एक दो गोली मार के उसने गाइज उसने किल ले लिया। तो गाइज आप भी ऐसे गाइज आराम से इजीली गाइज किल कर सकते हैं, इजीली अच्छे लाइक ले सकते हैं गाइज, आपको ऐसे को डर। तो गाइज जो लोग चैनल पर न्यू आ रहे हो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन फॉलो प्रेस करो। तो गाइज मैं ऐसे ही थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ऐसे ही न्यू वीडियो आते लाता रहूँगा। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा हमारे साथ क्या हुआ था, थोड़ा ग्लिच हुआ था हमारे साथ, पता नहीं कहाँ से गोलियाँ पड़ रही थी, पता नहीं चलता था गोली कहाँ से पड़ रही है। तो गाइज यहाँ पर एनिमी बहुत कम बचे हैं, 5 एनिमी बचे हैं 2 बंदे कम करके। तो गाइज मेरे को यहाँ पर M4A1 मिल गई गाइज अटैचमेंट के साथ, तो मैंने गाइज यहाँ BSSX का एमो पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर गाइज BSSX छोड़ के M4A1 ले ली अटैचमेंट वाली। तो गाइज यहाँ पर सारा आइटम मैंने निकाल दिया, M4A1 मैंने ले ली। तो भाई मेरा पार्टनर जो था गाइज वो यहाँ पर फाइट लेने पहुँच गए नीचे। तो अभी गाइज आप आगे देखना कि गाइज आगे जो मेरे साथ ग्लिच होगा गाइज बहुत चीज़ देखना गाइज क्या ग्लिच हुआ था मेरे साथ। तो गाइज मेरे पास मेडिकेट भी काफ़ी है गाइज, 6 मेडिकेट 16 इनहेलर। तो गाइज ज़्यादा मेडिकेट नहीं रखनी चाहिए गाइज, यहाँ पर थोड़ा हमारे साथ ग्लिच हुआ था। देखिए गाइज भाई गोलियाँ पड़ रही थी, पता नहीं बंदे कहाँ से गोली मार रहा, समझ में नहीं आ रहा था गाइज। यहाँ तो गाइज गोली पड़ी, पता नहीं बंदा मार कहाँ से रहा है गाइज, सब तरफ देख लिया गाइज बंदा नहीं दिख रहा था बिल्कुल, कहाँ गोली कहाँ से मार रहा है बंदा। तो गाइज बाद में चला पता गाइज वो टावर पर बंदा मार रहा है, टावर के पीछे बैठे गाइज गोली मार रहा है। तो गाइज उसको मैंने इजीली गाइज M4A1 से गाइज फटके देखे गाइज इजीली गाइज को मैंने मार दिया। मेरे को चल गया पता गाइज भाई उसके टावर के पीछे से गोली मार रहा है। तो गाइज मैंने उसको इजीली गाइज मैं देख लिया एक्सपेक्टर के गाइज उसको M4A1 से गाइज मार दिया। तो गाइज लास्ट का एक ही नहीं मचाता गाइज, तो मैंने यहाँ पर गाइज हमें कोई टेंशन नहीं थी गाइज, लास्ट का एक एनिमी गाइज उसको हम आराम से गाइज मार ही सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जल्दी से मैं गाइज लास्ट वाला एनिमी गाइज ऐसे ही कर रहा था, पता नहीं कहाँ से दुबक के गाइज गोली मार रहा था, पता नहीं कहाँ से गाइज। जो मेरा पार्टनर जो था गाइज वो ऊपर आगे तक मारने की कोशिश कर रहा था, वो निकल के नहीं आ रहा था बाहर को।
तो गाइस यहाँ पे मेरे को फिर से गाइस डैमेज पड़ा, पता नहीं गाइस मार कौन सी गन से रहा था, कहाँ से सामने गाइस वहाँ सामने मारा था। तो गाइस यहाँ थोड़ा मेरा नेटवर्क ग्लिच हुआ, तो गाइस मेरे हाथ में ग्रेनेड आ गए बहुत सारे पता नहीं कैसे। तो गाइस मैं ग्लोबल लगा रहा था, ग्लोबल लगने ग्रेनेड जा रहे थे सारे। तो गाइस वो बंदा गाइस निकल के नहीं आ रहा बिल्कुल बाहर। तो गाइस वो मेरा पार्टनर ग्लोबल तोड़ रहा था, मैं गाइस ग्लोबल तोड़ के उसको डैमेज आ रहा था, डैमेज को नहीं लग रहा था गाइस। तो गाइस बहुत डैमेज उस बंदे को मैंने, तो गाइस मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एकदम रस कर दिया गाइस, मैंने ग्लोबल लगा के ऊपर रस कर दिया, क्योंकि गाइस मेरे को पता था लास्ट बंदा उसको मैं इजीली गाइस संभाल सकता हूँ। तो गाइस मैंने इसको मैक्स 7 हाथ में लेके, तो गाइस इसके ऊपर मैंने इजीली रस किया, उसने एकदम क्रोनो ऑन कर लिया अपना भी, मैंने इधर क्रोनो ऑन किया उस नंबर क्रोनो, मैंने पीछे जाकर उसको क्रोनो से आराम से गाइस इजीली मार दिया गाइस, यहाँ पर बुईया कर लिया। तो गाइस आप लोग भी ऐसे इजीली अपना रैंक पुश करके गाइस अच्छा बुईया कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आपका एक पार्टनर जो होगा इस पार्टनर अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं गाइस। गाइस मेरे इसमें अच्छे खासे किल हो गाइस, इसमें अच्छे खासे लाइक्स गाइस मेरे को मिल चुके हैं गाइस। आप लोग गाइस ऐसे ही अच्छे देखो गाइस, मेरा 2 स्टार्स में गाइस लग चुका है इजीली। तो गाइस मैं 30+ हुआ गाइस मेरा। तो गाइस आप भी ऐसे अपना अच्छा रैंक पुश कर सकते हो, अच्छा किल कर सकते हो गाइस। मेरे पार्टनर के 8 किल थे, मेरे गाइस 6 किल थे। तो गाइस आप भी ऐसे गाइस अच्छा टीमिंग करके अच्छा किल कर सकते हैं गाइस इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस जब तक के चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन गाइस ऑल प्रेस करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.